बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन स्प्रिंग 2024 के रिलेटेड है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्राइवेट बीए प्रोग्राम, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस प्रोग्राम और बीएड प्रोग्राम्स के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन्स, जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्राइवेट बीए प्रोग्राम, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस प्रोग्राम, बीएड प्रोग्राम अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन्स का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है फी टैरिफ का। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर जो है वो शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है आपने उसका फी स्ट्रक्चर जो है वो अपने लाजमी चेक करना है। फी स्ट्रक्चर चेक करने के बाद अपने बैक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम का। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस अपना इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, पासवर्ड को कन्फर्म करना है और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद अपने अकाउंट को आपने लॉग इन करना है। अकाउंट जो है वो लॉगिन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है फेस टू फेस प्रोग्राम, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अगर आपने प्राइवेट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है आपने उस प्रोग्राम को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है सिलेक्ट प्रोग्राम का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने अप्लाइड प्रोग्राम्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने जिस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है उसके सामने आपको ऑप्शन शो हो रहा है ओपन का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने लास्ट डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने डिग्री लेवल जो है आपका अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डिग्री का नेम आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने प्रेफरेंस जो है आपकी मेजर सब्जेक्ट्स आपने वो सिलेक्ट करने हैं, इसके बाद अपने बोर्ड का नेम सेलेक्ट करेंगे, कौन से बोर्ड से आपने एफएससी कंप्लीट किया। अगर आप बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। अगर आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने यूनिवर्सिटी का नेम आप सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने मार्क्स की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। लास्ट डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है इस ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है और आज जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम टाइप जो है अपनी वो सिलेक्ट करेंगे, लोकल कैंडिडेट हैं या इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करेंगे, बीएस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एडीपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो है अपना वो इंटर करेंगे, लास्ट नेम इंटर करना है, इसके बाद अपने जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट, फिर ईयर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आपने वो इधर स्पेसिफाई करना है। इसके बाद अपने फादर की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है, सबसे पहले फादर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद फादर का स्टेटस अपने सेलेक्ट करना है, फादर का ऑक्यूपेशन जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद फादर का मोबाइल फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, सबसे पहले अपने ऑपरेटर कोड जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, इन केस अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे, अदरवाइज आपने कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन जो है इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने नेशनलिटी की इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है, सबसे पहले अपने कंट्री सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने सीएनआईसी नंबर जो अपना वो इंटर करेंगे, इसके बाद अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपने इंटर करनी है, सबसे पहले परमानेंट एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है, सबसे पहले अपने कंट्री का नेम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोविंस का नेम सेलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का नेम आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद तहसील का नेम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद एरिया जो है अपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने सिटी का पोस्टल कोड जो है अपने वो इंटर करना है। इन केस आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो आपने कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नीचे अपने पोस्टल एड्रेस जो है अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है, सबसे पहले प्रोविंस का नेम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है अपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है, सबसे पहले ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, इसके बाद अपने मोबाइल फोन नंबर जो है अपना वो इंटर करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका अपने वो इंटर करना है, इधर एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
सबसे पहले अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है अपने अप्लाई करते वक्त इंटर कर दी थी, इसके बाद अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है। ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपने डिग्री टाइप जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, डिग्री लेवल जो है अपने 10 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने डिग्री का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, मेजर सब्जेक्ट्स जो अपने वो सेम एज इट इज़ अपने इंटर करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है अपना वो इंटर करना है, इधर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वो इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने कोर्स इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है, कोर्स इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज जो है वो आप स्टडी करना चाह रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने ऐड कोर्सेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे, इसके बाद अपने CNSE की पिक्चर अपलोड करेंगे, लोकल डोमिसाइल की पिक्चर अपने अपलोड करनी है, इसके बाद अपने फादर के ID कार्ड की पिक्चर अपलोड करेंगे, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर अपलोड करेंगे, FSC के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर अपने अपलोड करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है अपने अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है फी वाउचर का, इधर आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि आप किसी भी MCB की ऑनलाइन ब्रांच, UBL की ब्रांच या अलाइड बैंक की ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं। फीस जो है सबमिट करवाने के बाद आपका फीस स्टेटस जो है वो अनपेड से पेड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।